मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आगुण इस एजुकेशन वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे किसी बॉडी के रोटेशन में परिवर्तन का विरोध या रेजिस्टेंस को मेजर मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्वारा किया जाता है यह एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी के वेरियस पार्टिकल्स के मास व डिस्टेंस पर डिपेंड करता है मान लीजिए पार्टिकल के मास है एम वन एम टू एम थ्री एम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी दूरी है R1, R2, R3. तो मोमेंट ऑफ I होगा I M1 R1 M2 R2 M3 R3 इसी को हम लिख सकते हैं आईजीकल टू समेशन एम आर स्क्वायर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया पार्टिकल्स के मास वह एक्सिस से दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम होता है किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जिया पार्टिकल्स के मास और एक्सिस से दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट्स का सम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फार्मूला होगा एम वन एल टू टी जीरो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस प्रकार ट्रांसलेटरी मोशन में मास की इंपोर्टेंस है उसी प्रकार रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपोर्टेंस है यदि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो वह उस मोशन में परिवर्तन का विरोध करती है रेक्टilinear मोशन और रोटरी मोशन का कंपैरिजन चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन घुर्णी त्रज्या किसी एक्सिस के परीत रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णी त्रजिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर को बॉडी के टोटल मास से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी एक्सेस के परीत रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णी त्रज्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके स्क्वायर को बॉडी के टोटल मास से मल्टीप्लाई किया जाता है इसे के से डोनोट करते हैं तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर जहां पे के रेडियस ऑफ जायरेशन है तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा माना कि कोई बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनका मास सेम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनकी दूरी आर वन आर टू आर थ्री आर एन है तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर थ्री स्क्वायर प्लस सो वन एम आर एन स्क्वायर इसी को हम ले सकते हैं आईज इक्वल टू एम एम कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट एम आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर अब हम यहां पे ऊपर और नीचे एन से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो यही इक्वेशन होगी I इज टू एम एन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माना कि प्रत्येक एन पार्टिकल का मास एम है तो पूरी बॉडी का मास होगा एम एन इज इक्वल टू कैपिटल एम अब हम इक्वेशन वन में एम एन की जगह कैपिटल एम लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी आई इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो यही क्वेश्चन हो रही है आई इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमको मालूम है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है तो आई की जगह हम लिख देंगे एम के स्क्वायर तो हमारी इक्वेशन हो रही है एम के स्क्वायर टू एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अब दोनों साइड से एम को काट देंगे तो हमारी इक्वेशन होगी के स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वेशन फाइव को हम लिख सकते हैं के इक्वल टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर अप टू आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो रेडियस ऑफ जायरेशन आया टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस अफ टू आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन रेडियस ऑफ जायरेशन या घूर्णी त्रिज्या को एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स के रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है इसकी यूनिट मीटर होती है थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम समानांतर अक्ष का प्रमेय किसी बॉडी के एक्सिस के परीत है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल एक्सिस व उसके मास व दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम होता है आप फिर से देखें किसी बॉडी के एक्सेस के परीत है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल एक्सिस वह उसके मास व दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम होता है यानी कि आई ओ इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर तो हमने देखा आई ओ इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर जहां आई ओ मोमेंट ऑफ एनर्शिया है आई जी मोमेंट ऑफ एनर्शिया है उस लाइन के जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकल रही है एक्स जो है दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस है और कैपिटल एम बॉडी का मास है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लंबवत अक्ष का प्रमेय किसी बॉडी का प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के परिता है मोमेंट ऑफ एनर्जिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के सम के बराबर इस प्रकार होगा कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का कॉमन पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा किसी बॉडी का प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के परीत मोमेंट ऑफ एनर्शिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के सम के बराबर इस प्रकार होगा कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का कॉमन पॉइंट इनका जो कॉमन पॉइंट है वो एक इंटरसेक्शन होगा तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से निकला आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आई एक्स मोमेंट ऑफ एनर्शिया एक्स एक्सिस के अराउंड है आई वाई मोवमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट दी वाई एक्सिस और आई जेड मोवमेंट ऑफ एनर्जिया जेड एक्सिस है डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ एनर्जिया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं